हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई। आज हम बनाने वाले हैं वेज स्प्रिंग रोल। इसके लिए जो शीट हम यूज़ करेंगे वो भी हम घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शीट तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, 1/4 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल। इन सबको हम मिला लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हम गूंथ लेंगे। और एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। डो तैयार हो जाने के बाद इसे हम 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 20 मिनट के बाद हम एक बार फिर से अपने इस आटे को सही करेंगे और फिर हम इसकी छोटी छोटी लोई काट लेंगे। एक लोई लेके इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके इसे हम बेलेंगे और एक छोटी सी पूड़ी बनाएंगे इसकी। इसी तरह से जितनी लोई हमने काटी हैं उन्हें हम बेल लेंगे। सभी पूड़ियों का साइज एक ही जैसा रखेंगे। इसके बाद हम एक पूड़ी रखेंगे और उसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा ऊपर से डालेंगे। उसके बाद हम दूसरी पूड़ी रखेंगे, उस पर भी हम ऑयल लगाएंगे और मैदा डालेंगे। उसके बाद हम तीसरी पूड़ी रखेंगे। इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और फिर जब सारी पूड़ियाँ रख जाएंगी फिर हम इसमें थोड़ा सा मैदा लगा करके इसको हम बेल लेंगे। इसे हम थोड़ा बड़ा बेलेंगे। बड़ा हो जाने के बाद हम तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगा करके उसे टिश्यू पेपर से हम पोंछ लेंगे और फिर अपनी इस पूड़ी को उस तवे पर हमें सेकना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही हल्का सेकना है, बहुत ज़्यादा अपनी पूड़ी को नहीं सेकना है। पूड़ी के सिक जाने के बाद हम इसमें से अपनी सारी शीट्स को अलग कर लेंगे। बहुत ही धीरे धीरे हमें इन शीट्स को अलग करना है। इस तरह से ये हमारी शीट्स तैयार हो जाती हैं। सीड्स के तैयार हो जाने के बाद हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम पैन में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून अदरक डालेंगे, 1 टीस्पून लहसुन, 2 से 3 हरी मिर्च डाल करके हम इसे चलाएंगे। इसके बाद एक बड़ा साइज का प्याज काट करके उसे डालेंगे और उसे हम चलाएंगे। एक कप गाजर कटी हुई, 1 कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और 1 कप पत्ता गोभी, 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्न। इन सब को डाल करके हम 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, 1 टीस्पून वेनेगर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून टमाटो केचप। इन सब को डाल करके हम अपनी स्टफिंग को 2 मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद हम एक शीट लेंगे और उसके ऊपर
मैदे का एक पतला पेस्ट बनाएंगे। उसे लेकर के हम इस शीट पर किनारे चारों तरफ हम एक लेयर लगाएंगे इसकी। उसके बाद जो स्टफिंग हमने तैयार करी है उसे हम लेकर के इसके अंदर रखेंगे और इसे हम फोल्ड करेंगे। मैदे की जो ये लेयर लगाई है हमने, ये इस शीट को चिपकाने के लिए लगाई है, जिससे कि शीट्स हमारी अच्छे से चिपक जाए और वो खुले ना। इस तरह से हम अपने रोल को फोल्ड करेंगे। ये हमारा रोल तैयार हो गया है और इसी तरह से हम अपने सारे रोल्स को तैयार करेंगे और फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आंच हमारी धीमी हो, बहुत तेज़ आंच में हमें इन्हें नहीं तलना है। गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाने पर इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी ये स्प्रिंग रोल तैयार हो जाते हैं और इसे आप हरी चटनी या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।